कुछ लोगों ने बॉलीवुड को जबरदस्ती अपना दुश्मन बना रखा है। आई मीन बॉलीवुड ऐसा तो बॉलीवुड वैसा, तो बॉलीवुड ने ये किया तो बॉलीवुड वो, बॉलीवुड ये करता है तो वो करता है, मतलब कुछ भी। हालांकि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे उनका अगर बैकग्राउंड चेक किया जाए सोशल मीडिया पर या गूगल में, तो उन लोगों ने खुद ज़िंदगी में कुछ खास नहीं किया होगा। 90% लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया और बॉलीवुड को बुरा बोलते हैं। पिछले कुछ सालों में तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये सलमान खान बुड्ढा हो गया है, अक्षय कुमार बुड्ढा हो गया है, शाहरुख खान बुड्ढा हो गया, सनी देओल बुड्ढा हो गया, ये इन चारों को तो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, ये किसी काम के नहीं है, ये कौन देखने जाएगा, बुड्ढे हो गए फिर भी हीरो आते। लेकिन इन्हीं बूढ़ों ने तहलका मचा के रखा है। जिस शाहरुख खान को लोग बुड्ढा कहते थे उसने पठान में कमाल कर दिया। उस फिल्म ने करोड़ों का बिजनेस किया। अब लोगों से ये बात बर्दाश्त नहीं कि एक बूढ़ा हीरो जिसे हम लोग कहते हैं उसने करोड़ों का बिजनेस कैसे कर दिया। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो फेक कनेक्शन, ये झूठ बोल रहा है, इतना पैसा पिक्चर ने कमाया ही नहीं। खैर बात थोड़ा और आगे बढ़ी तो सनी देओल साहब आ गए। सनी देओल साहब ने तो 65-66 की उम्र में कमाल कर दिया, उनकी फिल्म ने करोड़ों रुपए कमाए। और जो साथ में तीसरा बूढ़ा था अक्षय कुमार, वो पठान, जवान और गदर के बीच में से होता हुआ ओ माय गॉड में करोड़ों रुपए कमा गया। तब लोगों को और झटका लगा कि जिस अक्षय कुमार को हम बूढ़ा कहते थे वो भी 100 करोड़ से ऊपर चला गया, जिस सनी देओल को हम बूढ़ा कहते थे वो तो 500 करोड़ से ऊपर चला गया, जिस शाहरुख खान को हम बूढ़ा कहते थे वो तो 500 करोड़ से भी ऊपर चला गया। जहाँ दूसरे हीरोज की फिल्म पूरे रन में 50 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाती थी, वहाँ शाहरुख खान और सनी देओल की पिक्चर ने एक ही दिन में 50 करोड़ रुपए कमा के परे मारे। अब लोगों से जलन बर्दाश्त हुई, अब लोग नई चीज़ ढूंढ रहे हैं, वही 90% जो कुछ नहीं करते बस बुराई करते उनकी बात कर रहे हैं। अब वो लोग नई चीज़ ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम लोग बॉलीवुड को बुरा बोले, इन एक्टरों को बुरा बोले, क्योंकि बुरा बोला था लेकिन ये तो जवान से भी आगे निकले, बूढ़े शेर निकले। तो अब कुछ नया ढूंढा जाए और कुछ दिनों में एक नया टॉपिक लेकर वो लोग आएंगे, उन्हें भी हम इंजॉय करेंगे, आप भी करिएगा मैं भी करूँगा। और हाँ दोस्तों, जहाँ सनी देओल, शाहरुख खान, अक्षय कुमार इन बूढ़ों ने तहलका मचाया हुआ है, वहीं चौथा बूढ़ा जिसे आप लोग बूढ़ा कहते थे सलमान खान भी आ रहा है, टाइगर, वो भी बुढ़ापे में करोड़ों का झटका देने वाला है आप लोगों को। आपको ख्याल कि जो चौथा बूढ़ा है जिसे लोग बूढ़ा कहते हैं सलमान खान, इसकी फिल्म जवान, पठान, गदर और ओ माय गॉड से ज़्यादा बिजनेस करेगी या फ्लॉप? और अगर ज़्यादा करेगी तो कम से कम कितने करोड़ का बिजनेस करेगी? आप अपना अंदाज़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल ही गया कि ये तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।